हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 21 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको दिमाग में क्लियर करना ज़रूरी है, आप लोगों को पता भी होंगी, जस्ट एक रिविज़न हम यहाँ पर कर लेंगे। फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज दैट इज़ वट आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कंडक्टर्स। वी ऑल नो दैट कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से दैट कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट पास हो सकता है। सो पहली चीज अगर हम देखें, What are conductors? Conductors are the materials which conduct electricity. और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो which allow पासेज ऑफ करंट। हमें पता है जो मेटल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से करंट इजीली पास हो जाता है। यही रीजन है कि जो हमारी वायर्स होती हैं, जो आप घरों में वायर्स देखते होंगे, वो ऑलमोस्ट कॉपर या एल्युमिनियम की आपको देखने को मिलेंगी, तो ये अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो ऐसा क्या है कि ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती हैं? क्या चीज़ इसके पास ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है, या जो अपने में से करंट को पास होने देती है, या मैं यूँ बोलूँ कि करंट कैसे इन मेटल्स में से पास हो जाता है? तो इनके पास जो एक चीज़ है, दैट इज़ कंडक्टर्स हैव majority carriers as electrons, और electrons ना बोल के मैं यहाँ पे बोलूँगा free electrons। conductors जो material हैं, इनके पास एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो चीज़ क्या है? that is free electrons। अभी देखते हैं ये free electrons कैसे इनके पास होते हैं। पहले ये समझिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वैलेंस शेल से निकल के फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से रैंडमली चारों डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम किसी गैस को एक कंटेनर में फिल कर देते हैं, तो हमें पता है जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो ऑलवेज इन रैंडम मोशन रहते हैं, दीवारों के साथ टकराते रहेंगे, चारों तरफ घूमते रहते हैं। सेम ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास होता है, ये भी इस कंडक्टर के अंदर चारों डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं रैंडमली, और यही प्रोड्यूस करते हैं करंट। इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस होता है करंट। दिस इज द रीज़न दैट कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है, कंडक्टर के पास कैसे आई? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी ऑल नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 13। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 4s, 10, 12, 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, बाकी तो सारी शेल्स पूरी फिल हैं जितनी इनके पास कैपेसिटी है। S के पास 2 की कैपेसिटी होती है, P के पास 6 की, वी ऑलरेडी नो दिस। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इस P के पास अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी थी, पर इसके पास वैलेंस शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका जो वैलेंस शेल है वो हाफ से भी कम भरा हुआ है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं रहता, ये फ्री हो जाता है, निकल जाता है बाहर, डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो
जो अच्छे कंडक्टर्स होंगे इन गुड कंडक्टर्स हमें क्या देखने को मिलेगा, की पॉइंट इन गुड कंडक्टर्स वैलेंस शेल वुड बी फिल्ड लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। जैसे यहाँ पर वैलेंस शेल होगी आधे से भी कम भरी हुई होगी, जैसे यहाँ पर है पी के पास 6 की कैपेसिटी थी, 6 का हाफ 3, 3 से भी कम भरी हुई है। ऐसे जितनी भी मेटल्स होंगी दोज ऑल विल बी द गुड कंडक्टर्स। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा व्हाट आर कंडक्टर्स, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीज़न एक ही आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर्स ठीक है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, ऐसा इनके पास क्या है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है और इनको गुड कंडक्टर बनाता है, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनमें भी दो चीज़ें आती हैं, कुछ अच्छे कंडक्टर्स होंगे कुछ बैड कंडक्टर्स होंगे, बैड नहीं बोलेंगे, कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे, कुछ मीडियोकर लेवल के होंगे, फिर कुछ उससे भी नीचे आते हैं। तो जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे उनमें आपको ये खासियत देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, सेम आप मुझे लिख के बताएंगे कॉपर का, आप मुझे लिख के बताएंगे सिल्वर का, इनमें भी आप चेक करिए क्या इनका वैलेंस शेल हाफ से भी कम फिल्ड है, तो ये आप मुझे लिख के बताएंगे। तो हमने क्या बोला, इनकी एक खासियत रहेगी कि इनका जो वैलेंस शेल है वो हाफ से भी कम भरा हुआ होगा, और ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्री हो जाते हैं घूमने के लिए, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं की वजह से जो है वो करंट पोजेस्ट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर्स। एग्जाम्पल आपके बिल्कुल सिंपल हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। नाउ कमिंग टू इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आर दोज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो इनके पास क्या रीज़न होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने नहीं देते, सिंपल है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इंसुलेटर्स को भी हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक हमने पढ़ा इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते एट ऑल, सेकंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या विच डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ करंट बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिकम कंडक्टर्स। हमने क्या लिखा, एक तो हमने पढ़ा इंसुलेटर्स क्या है जो किसी भी हाल में अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, रीजन उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरा टाइप आता है इंसुलेटर्स के अंदर ही, वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो कंडक्टर्स बन जाते हैं, एंड दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड, एंड दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड, ऐसे मटेरियल को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक्स, जो हमारे कैपेसिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम इसे अभी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर डाइइलेक्ट्रिक्स, अभी आप इतना समझिए, व्हाट आर डाइइलेक्ट्रिक्स, ऐसे मटेरियल जो हैं तो इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक है तो इंसुलेटर, यानी ये भी अपने में से करंट को पास नहीं होने देते पर अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इंसुलेटर को रख दें तो वो कैसा बन जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है, यानी उसमें से करंट पास होने लग जाता है, और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है, वही हमें यहाँ पे देखना है। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं वो क्या है, दैट इज़ फर्स्ट बिहेवियर हम क्या देखते हैं वो है दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किस तरह से होता है ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर, हमें पता है कंडक्टर के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसको हमने रखा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं। लेट दिस इज पॉजिटिव प्लेट, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और आप कह सकते हो कि हमने एक पॉजिटिव प्लेट इस साइड रखी और एक नेगेटिव प्लेट इस साइड रखी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम दिस। हमने क्या किया, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे लिख देते हैं कंडक्टर। कंडक्टर को हमने रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे सेटअप की, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वजह से ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को इन प्लेट्स के बीच में रखेंगे होगा क्या, देर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किस तरह से होगा, जितने भी इस कंडक्टर के पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इस कंडक्टर के पास होंगे वो नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेटअप कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस कंडक्टर के पास जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो इस तरफ को आ जाएंगे, जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो इस तरफ को चले जाएंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, जो हमने बाहर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप कंडक्टर के अंदर ध्यान दें तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसको मैं ई डैश बोल देता हूँ। तो ये ई थी इन दो प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ई डैश डेवलप हुई है ये हुई है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, ये दोनों इसके अंदर कैंसल आउट कर जाती हैं, यानी ई की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ई डैश की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन को है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल होंगी, एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाती हैं। दिस इज द रीज़न दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इस चीज़ को आपको थ्योरेटिकली जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखना है। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया, किसी कंडक्टर को पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस डायरेक्शन में, जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो। इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्यों होगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी और द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी सी हेयर। द सेकेंड इज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर।
ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पर भी वही है कि इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो किस तरह से पास करेंगी कि वो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। यानी अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको समझाऊँ, इसको थोड़ा सा हम इरेज करें, तो ये कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस सरफेस के ऊपर दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह से होगा। आपको परपेंडिकुलर दिखाना है, आप किसी भी तरह से दिखाएं, दिस इज परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, जो हमने लिखा आई होप आपको क्लियर होगा। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ये हम ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी को जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज द एक्वायर्ड चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड इज when a conductor is charged, charges resides only on the surface of conductor। आपको इनकी डिटेल भी लिखनी है जितना मैं समझा रहा हूँ। only on the surface of conductor, इसके बोलने का मतलब है जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे, चार्ज होने के पास उसके पास चार्ज करने पे उस कंडक्टर के पास जो चार्ज इकट्ठा होगा वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी पूरे के पूरे कंडक्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो चार्ज हमेशा इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है और मान लेते हैं इस कंडक्टर को हमने चार्ज किया बाय एनी मेथड ऑफ इंडक्शन और कंडक्शन, हम जानते हैं इन दोनों मेथड्स को। उन मेथड को अपनाने के बाद इस कंडक्टर पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज सिर्फ, मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो वो चार्ज सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर रहेगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी ये केस नहीं होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज इसकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा इसके सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है। दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 इज द एंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। प्लीज नोट दिस डाउन, द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज entire body of conductor is at zero potential। हमें पता है that VB minus VA is equal to, हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, और जो हमारे यहाँ पर काम का है वो है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सो हमने ऑब्जर्वेशन लिखी है दैट एंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इज एट जीरो पोटेंशियल। हमने क्या देखा कि इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 1, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। तो अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर चार्ज को कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाना चाहूँ तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जब इस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं तो कौन सी फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क करूँगा?
यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। किसी भी चार्ज को हम कहीं से कहीं भी उठा के आराम से रख सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू डू एनी वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज देर इज़ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवेलेबल इनसाइड दिस कंडक्टर। सो इफ नेट वर्क डन इज जीरो, दिस इम्प्लाइज वी बी माइनस वी ए विल इक्वल वी जीरो, और वी कैन से दैट वी बी विल बी इक्वल टू वी ए, यानी पोटेंशियल विल रिमेन सेम, और वी कैन से दैट एंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इज एट जीरो पोटेंशियल, एंटायर बॉडी ऑफ कंडक्टर इज एट जीरो पोटेंशियल। सो अगर वी बी वी ए के इक्वल है तो वी बी माइनस वी ए जीरो होगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर फोर। ऑब्जर्वेशन नंबर फाइव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे भी आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताता हूँ, आप प्रॉपरली बुक से देख के लिख लेना। मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर पे मैं कोई स्मॉल एलिमेंट ds मान लेता हूँ। दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट ds। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अगर हमें फ्लक्स लिखना हो इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए तो d phi विल बी इक्वल टू e डॉट ds। e की डायरेक्शन ये, इस एरिया एलिमेंट का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी इसी डायरेक्शन में। हम जानते हैं कैसे ड्रॉ करना है, एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ मिलाइए, उसी सेंटर वाली लाइन पर होगा एरिया वेक्टर डिनोटेड बाय एन कैप। एन कैप दिखा रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो डॉट हटाएंगे, हमारे पास आएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर है जीरो, ई और डी एस के बीच का एंगल जीरो डिग्री। सो कॉस जीरो इज वन, वी विल गेट ई डी एस। और हम जानते हैं बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज है डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं दैट फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम। सो वी हैव रिटन फॉर दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज ऑन दिस एरिया एलिमेंट डी एस। हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, इफ एरिया इज डी एस सो सिग्मा विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू विल बी सिग्मा इंटू डी एस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू वी विल गेट सिग्मा इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेटिंग वन एंड टू वी विल गेट ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस से डी एस कैंसिल, सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने शॉर्ट में आपको इसका जो छोटा सा डेरिवेशन था वो भी बता दिया। आप इसको प्रॉपरली कंसीडरेशन पार्ट लिख के कि हमने क्या क्या कंसीडर किया, पहले एक कंडक्टर कंसीडर किया, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दिखाई कैसे होगी नॉर्मल टू द सरफेस। हमने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, उस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू लिखी, एक जो हम जानते हैं ई डॉट डी एस वाला मेथड, एंड सेकेंड वन इज बाय गॉस थ्योरम, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने पे हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर आता है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन और यू कैन से दैट बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।